नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 फरवरी। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही क्रिकेट की खबरों से भी रूबरू होते रहेंगे। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार के गांव गोबर गैस से होंगे रोशन। पशुपालन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में बच्चों के इलाज के लिए होगी खास सुविधा। बिहारियों के समर्थन में आए पीएम मोदी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने नर्सिंग, ट्यूटर, टूरिंग, वेटनरी, मेडिकल ऑफिसर के कुल मिलाकर 958 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BSc या MSc डिप्लोमा या BVSc और AH में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे पीके ठाकुर की। प्रमोद कुमार ठाकुर या पीके ठाकुर का जन्म 18 फरवरी 1958 को बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। प्रमोद कुमार ठाकुर भारत में बिहार राज्य के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में बिहार राज्य में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने जून 2014 से फरवरी 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति तक बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वो IPS 1980 के बैच के हैं। उन्होंने बिहार में महानिदेशक सतर्कता ब्यूरो के रूप में भी काम किया है, जिसके बाद ही केंद्रीय पुलिस संगठन में महानिरीक्षक प्रशासन के रूप में उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डिस्क से सम्मानित किया गया। उन्हें अक्टूबर 2018 में बिहार राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त भी किया गया था। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन निकलेगी सासाराम गया से। बिहार में बुलेट ट्रेन का रोड मैप सामने आ गया है। अब तक बिहार में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब उसका रूट सामने आ गया है। बता दें कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं, बल्कि यह ट्रेन गया सासाराम से गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश के 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार के गांव गोबर गैस से होंगे रोशन। बिहार सरकार अब गाय के गोबर की खरीद करेगी और उस गोबर से मीथेन गैस बनाया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर अब प्रत्येक जिले में प्लांट स्थापित किया जाना है। इसी गोबर से मीथेन गैस बनाकर उसे पुनः गांव में ही सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि गोबर से गैस बनाने के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में गैस प्लांट लगाने की जिम्मेदारी एजेंसी को दे दी गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि एजेंसी प्रत्येक जिले में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। एजेंसी चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक किसान या अन्य लोगों से गोबर की खरीद की जानी है। इसकी कीमत क्या होगी, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया। में पहली बार होगी पक्षियों की गणना। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पक्षियों की गणना पहली बार शुरू होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये गणना आशिया वाटर बोर्ड सेंसस द्वारा पश्चिमी चंपारण में कराई जा रही है। खबर के अनुसार 20 फरवरी तक इसके काम को पूरा भी कर लिया जाएगा। इसको लेकर ही चंपारण में 4 जगहों को चिन्हित करने का काम कर लिया गया है, जिसमें गंडक रिवर एरिया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया, लाल सरैया और उदयपुर को चिन्हित करने का काम हो गया है। खबर के अनुसार इस गणना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जल में रहने वाले पक्षी को एक श्रेणी में बनाया गया है, वहीं दूसरी श्रेणी थल और आने वाली पक्षियों का है, जबकि तीसरा उभयचर पक्षियों का है, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। इन सभी का अलग अलग श्रेणी में गणना का काम हो रहा है। 2 साल बाद बिहार के सरकारी स्कूल में होगी परीक्षा। बिहार के सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में परीक्षा के आधार पर बच्चे अगली कक्षा में अब जाने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के 2 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जिले को परीक्षा के लिए स्केड्यूल और मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है। जारी स्केड्यूल के अनुसार कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 7 से 10 मार्च तक होने वाली है, वहीं कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7 तक के विद्यार्थियों का विद्यालय आधारित वार्षिक
मूल्यांकन 25 से 29 मार्च के बीच में होगा, जिसका ही आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी, वहीं दूसरी पाली का समय 1 से 3 बजे तक तय किया गया है। बाइक पर बैठने वाले 9 महीने और 4 साल तक के बच्चों के लिए जारी हुआ नियम। बाइक पर चलने वाले अगर आने वाले दिनों में अपने बच्चे जो कि 9 महीने से लेकर के 4 साल के हैं इनके साथ चलते हैं तो उन्हें अब नए नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत ही अब इस आयु वर्ग के बच्चों को बाइक पर चढ़ते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस लगाना होगा जो कि बाइक चलाने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा, जिससे फायदा ये होगा कि बच्चे फिसल कर बाइक से नहीं गिरेंगे। इतना ही नहीं, बाइक पर बैठे लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर चलने वाले बाइक की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 15 फरवरी को केंद्र सरकार ने संशोधित केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 राजपत्र में अधिसूचित किया है, जिसमें इससे संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। बिहार के 5 जिलों में बारिश के आसार, फिर से बढ़ सकती है ठंड। जिस बात का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया था, मौसम भी अब वैसी ही करवट लेता नजर आ रहा है। ठंड की शुरुआत होने से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा था कि बिहार में इस बार ठंड का सितम मार्च से पहले खत्म होने की उम्मीद कम है। वैसा ही कुछ नजारा अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सबके बीच राहत की एक खबर ये भी है कि धूप हर दिन निकल रही है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और रात के समय अभी भी लोगों को ठंड का एहसास हो ही रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले में ठंड के बढ़ने की संभावना ही जताई गई है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। उसके बाद 20 फरवरी को दक्षिण पूर्व विभाग के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। पशुपालन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में पशुपालन करने वाले किसानों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत की खबर सुनाई है, जिसके तहत ही सरकार ने पशुपालन करने वाले किसानों से गोबर खरीदने का ऐलान किया है। सरकार इस खरीदे गए गोबर से मिथेन बनाकर सप्लाई करने का काम करेगी। सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ बिहार के हर एक किसानों को मिलेगा, क्योंकि बिहार के हर जिले में सरकार एक प्लांट की स्थापना करने वाली है। सबसे खास बात यह है कि प्लांट में जिले के किसानों से गोबर खरीद कर लाया जाएगा, इसी गोबर से मिथेन गैस बनाकर उसे गाँव में सप्लाई किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले में गैस प्लांट लगाने की जिम्मेदारी एजेंसी को दी जाएगी। एजेंसी प्रत्येक जिले में प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करेगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 2025 तक सभी जिलों में गोबर गैस के प्रोसेसिंग प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। महाबोधि मंदिर क्षेत्र में आम लोगों की गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर के हर दिन के साथ नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मंदिर क्षेत्र में आम लोगों की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने पर विचार विमर्श चल रहा है। योजना तो ये भी है कि पहले से जारी एंट्री पास का रिव्यू कर गैर जरूरी लोगों को जारी किए गए वाहन प्रवेश पास को भी रद्द किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। यही कारण है कि महाबोधि मंदिर क्षेत्र से गुजरने के लिए जारी वाहन पास को रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है और फिलहाल पहले से जारी पास के माध्यम से ही लोग आवाजाही कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब महाबोधि मंदिर क्षेत्र में प्रशासनिक पदाधिकारी और अति विशिष्ट अतिथियों के वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। बिहार में बच्चों के इलाज के लिए होगी खास सुविधा। बिहार में बच्चों के इलाज का काम जल्द ही और ज्यादा बेहतर ढंग से होने वाला है, क्योंकि बिहार के 28 जिलों में अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है। योजना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। पीकू के निर्माण पर तकरीबन 78.66 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके बाद ही अब ऐसी उम्मीद है कि बिहार में शिशुओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था अब सरकारी अस्पतालों में ही मिलने लगेगी, जिससे एक फायदा ये होगा कि बच्चों के मृत्यु दर में कमी आएगी। इस योजना को और ज्यादा गति तब मिली जब केंद्र सरकार ने कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के तहत बिहार के लिए तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे पीकू का निर्माण प्राथमिकता पर होना है। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वर नाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहां पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर हैं, जिस कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। रक्सौल
काठमांडू रेल लाइन का शुरू हुआ फाइनल सर्वे। भारत और नेपाल के बीच संबंध में मधुरता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। यही कारण है कि भारत और नेपाल की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए भी, साथ ही दोनों देश के बीच लोगों की सहूलियत के लिए समय समय पर कई परियोजनाओं को भी लाया गया है, जिसके तहत ही रक्सौल काठमांडू रेल लाइन परियोजना भी लाई गई थी, जो कि पीएम मोदी के डीम प्रोजेक्ट का भी हिस्सा थी। अब खुशी की बात यह है कि इस रेल लाइन को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोंकण रेलवे की टीम काठमांडू पहुंच चुकी है और इसी के साथ उन्होंने फाइनल लोकेशन का काम कर दिया है। नेपाल रेल विभाग के प्रवक्ता अमन चित्रकार ने बताया है कि भारतीय टीम नेपाल में सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, गन्ना उद्योग सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सैनी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार सरकार को देना पड़ेगा 10,000 का हर्जाना। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कुछ समय पहले ही मोतिहारी के लोक अभियोजन जयप्रकाश मिश्रा को अदालती आदेश के बाद उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाने और बहाली नहीं करने के आरोप में नाराजगी जाहिर करते देखा गया और ये हर्जाना लगाया गया है। पीबी बद्रीनाथ की एकलपीठ ने हर्जाने के साथ साथ अगली सुनवाई में विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आदेशानुसार हर्जाने की राशि को बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने सामूहिक अवकाश की दी चेतावनी। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय के रवैये को बीते दिन गलत बताया है और इस पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। इसको लेकर पटना में एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह और महामंत्री कमलेश पासवान ने बिहार पुलिस मुख्यालय पर चौतरफा हमला करते हुए आरोप लगाया कि बिहार पुलिस मुख्यालय निचले पुलिस अधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण में बिहार पुलिस मुख्यालय मनमर्जी फैसले ले रहे हैं, जिसके बाद ही अब सामूहिक अवकाश चेतावनी एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई है। बिहारियों के समर्थन में आए पीएम मोदी। हाल ही में पंजाब के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहारियों का अपमान किया था, जिसके बाद से ही वो बिहार के साथ साथ पंजाब में भी रहने वाले बिहारियों के निशाने पर है। इसको लेकर बिहार में तो लगातार बयानबाजियों का दौर चल ही रहा है, वहीं अब पीएम मोदी भी बिहारियों के समर्थन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया संबंधी बयान को लेकर के चन्नी की आलोचना की और कहा कि गुरु गोविंद सिंह और गुरु रविदास का जन्म भी पंजाब से बाहर ही हुआ था। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। वो कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में बनारस में। क्या आप संत रविदास जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार में। क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? टीईटी शिक्षक संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी। बीते कई दिनों से बिहार में टीईटी शिक्षकों की मांग देखने को मिल रही है। हालांकि शिक्षक जिस हिसाब से मांग कर रहे हैं, उस हिसाब से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई खास पहल नहीं की जा रही है। यही कारण है कि अभ्यर्थियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से शिक्षा विभाग के नाम एक ज्ञापन जारी किया गया और जल्द ही टीईटी शिक्षकों के लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। ज्ञात हो शिक्षकों का यह मुद्दा है कि पिछले 3 साल से नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर बकाया है। पुरुष शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर नीति बनाई गई है, उसमें केवल म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कही गई है और वो भी आरक्षण कोटे की बाध्यता के साथ। ऐसे में किसी का भी ट्रांसफर होना संभव नहीं दिखता है। ऐसे में अगर बजट के दौरान इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो सभी शिक्षक आंदोलन करने उतरेंगे। स्पीकर ओम बिरला ने जताई चिंता। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीते दिन विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करने पहुंचे थे। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान ही ओम बिरला ने कहा कि बिहार के नौजवानों की प्रतिभा का मैं लोहा मानता हूं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र कोटा में बिहार के बच्चों के टैलेंट को नजदीक से जानता हूं। बिहार के नौजवान देश ही नहीं दुनिया में भी नाम कमा रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों को और कैसे मजबूत करें, इस पर सोचने की फिलहाल जरूरत है। जनता की अपेक्षा पूरी कैसे हो, इस पर काम करने की जरूरत है। सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी हम सबों की है।
बिहार विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में तेजस्वी का सरकार पर निशाना। बीते दिन बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार पहुंचे थे, जहां वो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान ही प्रबोधन कार्यक्रम का हिस्सा बने तेजस्वी ने सरकार पर खूब निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, ये जनतंत्र के लिए खतरनाक है। राज्यों की अपनी पहचान नहीं है, अपनी प्राथमिकताएं नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों के बदलते स्वरूप के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर इस संस्थान को कैसे मजबूत बनाएं, इस पर काम करने की जरूरत है। आज हम सब अपनी संवैधानिक संस्थान को मजबूत बनाने का संकल्प लें। सीएम चन्नी पर भड़के सीएम नीतीश, कहा चन्नी को पता नहीं पंजाब में कितने बिहारी। पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटिंग का काम होने वाला है। हालांकि वोटिंग से पहले ही सीएम चन्नी की तरफ से दिए गए बयान ने बवाल मचा दिया है, जिसमें उन्होंने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, जिसके बाद से उनकी आलोचना जहां एक तरफ पंजाब में रह रहे बिहारियों के बीच हो रही है, वहीं चन्नी के बयान पर अब सीएम नीतीश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने चन्नी के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि लोगों को नहीं पता कि उनके प्रदेश के विकास में बिहार का कितना योगदान है। पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके प्रदेश में कितने बिहार के लोग रहते हैं और बिहार के लोग पंजाब की कितनी सेवा करते हैं। फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी ने बीते दिन एक बार फिर से सीएम बनने की इच्छा जताई है। इसको लेकर उन्होंने सभी के सामने बड़ी बात भी कह दी। गया के इमामगंज में संत शिरोमणि रैदास जयंती समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे मांझी ने कहा कि मौका मिला तो फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, चूकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी नहीं देखा था। कहा कि 17 वर्ष और कहां 7 महीना, कहां 17 वर्ष और कहां 7 महीना। 7 महीने में हम जो कर दिए हैं वो कम नहीं है गया के लिए। हालांकि एक जिले का विकास भी हो रहा है तो ये बड़ी बात है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जहांगीर ने सन 1614 को मेवाड़ पर कब्जा किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ। मुंबई में 1946 में रॉयल इंडियन नेवी नौसेना का विद्रोह हुआ। भारत ने 1971 में अरबी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 में थार एक्सप्रेस आरंभ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में स्विस बैंक UDFAG को देश में कारोबार करने की अनुमति दी। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य के स्थापना का प्रस्ताव 18 फरवरी साल 2014 में ही लोकसभा में पारित किया गया। 1927 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार खय्याम का जन्म हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का 2016 में निधन हुआ। 1933 में भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक निम्नी का जन्म हुआ। अब चैट के बाहर भी सुन सकेंगे वॉइस मैसेज। बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करता रहता है। यूजर अब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए नहीं बल्कि वॉइस मैसेज भेजने के लिए भी ऐप को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। हाल ही में वॉइस मैसेज से जुड़ा एक शानदार फीचर आया है जो बेहद काम का है। दरअसल व्हाट्सएप ने आईफोन और आईपैड मॉडल समेत iOS डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी किया, जो यूजर को बैकग्राउंड में वॉइस मैसेज चलाने की अनुमति देता है। यानी यूजर अब चैट विंडो के बाहर भी वॉइस मैसेज और ऑडियो फाइल चला सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा केवल एप्पल डिवाइसेज पर उपलब्ध है। एंड्रॉइड यूजर को कब तक ये सुविधा मिलेगी, इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सचिन तेंदुलकर पृथ्वी शॉ के इस खास क्लब में शामिल हुए यश थुल। भारत को अंडर 19 विश्व कप दिलाने के एक महीने से भी कम समय के बाद कप्तान यश थुल ने अपनी प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत शानदार तरीके से की। दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाले 19 वर्षीय धूल ने तमिलनाडु के खिलाफ शतक बनाया। इसके साथ ही धूल रणजी ट्रॉफी की शुरुआत में शतक दर्ज करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अमोल मजुमदार, रोहित शर्मा और कई अन्य दिग्गज शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम शंकर, शंकर मुखिया, दिव्यांशु कुमारी, सौरभ कुशवाहा, राजीव कुमार, रंजन कुमार यादव, मानिश कुमार, गजेंद्र सिंह, संजय कुमार, राजीव कुमार, पूजा कुमारी, अमरजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में क्या भारतीय टीम दूसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।